अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट पैथोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द कार्सिनोमास ऑफ द डक्टल, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कार्सिनोमा इन सीटू एंड इनवेसिव। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में हमने कोमीडो टाइप्स देखी थी, नॉन कोमीडो टाइप्स देखी थी। नॉन कोमीडो टाइप्स की हमने सिर्फ नाम याद करने हैं आपने, क्रिब्रिफॉर्म हो सकता है, आपके पास माइक्रोपिपिलिटी हो सकता है, पिपिलिटी हो सकता है, ठीक हो गया, और उसमें कोई मास बना नहीं होता। और ये होता है कि पेजर्स डिजीज़ पेशेंट को हो जाती है, वो निपल कैल्सरेशन के साथ पेशेंट आ सकती है। फिर हमने देखा था कि डक्टल कार्सिनोमा जो हमारे पास इन्वेड कर चुका था उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी उसकी, वो भी वो मास के साथ प्रेजेंट करती है फीमेल, ठीक है। और फिर हमने जो है वो डिम्पलिंग ऑफ द स्किन वगैरह भी हो सकती है निपल की, और जो है रिट्रैक्शन ऑफ निपल के साथ भी पेशेंट आ सकती है। फिर हमने उसकी बायोप्सी करनी होती है चेक करने के लिए कि ये असल में है क्या इसमें, तो वो ट्यूबुलर हो सकता है, वो हमारे पास म्यूसिनस हो सकता है, वो मेडुलरी कार्सिनोमा हो सकता है। इन सब के अच्छे प्रोग्नोसिस होते हैं, लेकिन जो हमारे पास लास्ट वाला इन्फ्लेमेटरी होता है वो आता है तो एक्यूट मास्टाइटिस के सिम्टम्स की तरह है, उसकी तरह पेरेंट्स लेके आती है ब्रेस्ट फीमेल, लेकिन वो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा जो है वो होता है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेम्ड स्वॉलन ब्रेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्यूमर सेल्स होते हैं वो लिम्फैटिक्स को ब्लॉक कर चुके होते हैं, तो इस वजह से आता है। उसका कोई मास डिस्क्रीट नहीं होता, ठीक है, ये भी होता है कि मतलब उसमें कोई मास भी नहीं ना होता जिसे हम ट्यूमर की डिटेक्शन करें, तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लोबुलर कार्सिनोमा। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, कार्सिनोमा इन सीटू और लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। अब जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू के बारे में जो आपने बात याद रखनी है ना, इनका तो ये होता है कि इनके जो सेल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ इनका जो मतलब इन नाराज़ हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, ये कह सकते हैं कि इनके अंदर ना ईकोडेरिन की म्यूटेशंस होती हैं। ईकोडेरिन आपको पता है हमारे सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, कोहेसिवनेस करता है, तो जब इनके अंदर ईकोडेरिन के लॉस हो जाता है ना तो ये सारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बात होती है। तो अगर तो हमारे पास जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो इन्वेजन नहीं की हुई इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो वो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू होगा। ये कोई मास नहीं बनाते हैं क्योंकि ये कार्सिनोमा इन सीटू है ना, ये कैल्सिफिकेशंस देते हैं। अब डिफरेंस चेक करें, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो था वो आपको क्या दे रहा था, कोई मास नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने मैमोग्राफी की तो उसमें कैल्सिफिकेशन नज़र आ गई थी, ठीक है, नज़र आ गई थी कैल्सिफिकेशंस। या वो पेजर्स डिजीज़ के साथ भी आ सकती है फीमेल, पीछे अंदर छुपा हुआ कैंसर हो सकता है डक्टल वाला, ठीक है। अब जो डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा था वो हमें तो वैसे ही मास की फॉर्म में फील हो जाता है, ठीक है, मास की फॉर्म में फील हो जाता है, और स्किन की वो जो निप्पल होती है उसकी भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो है ना लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, ये जो है ना बहुत ही अजीब किस्म का है, होता मास भी नहीं कोई प्रेजेंट करता, और अगर हम इसको मैमोग्राफी के अंदर देखें तो हमें तब भी कुछ भी नहीं नज़र आता, कोई कैल्सिफिकेशन ही नहीं नज़र आती, ठीक है, तो ये इसकी ख़तरनाक बात होती है। तो इसको हमें डिटेक्ट करना ही बायोप्सी पे करता पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डिस्कोहेसिव सेल्स हमें नज़र आते हैं क्योंकि ईकोडेरिन नहीं होती, ये मल्टीफोकल होते हैं, बायलेटरल होते हैं, ये भी बात इनकी, दोनों ब्रेस्ट में होंगे बायलेटरली, मल्टीफोकल होंगे मतलब कि जगह जगह बने होंगे, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, टेमोक्सिफिन देते हैं, ठीक है, जो इसके रिस्क को कम करते हैं, फॉलोअप करते हैं पेशेंट को, और लो रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू द, ये फिर इसकी अच्छी बात होती है कि ये इन्वेसिव कार्सिनोमा की तरफ कम ही जाता है, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है ये जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है लोबुलर कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है, सिंगल फाइल पैटर्न आता है, ठीक है, सिंगल फाइल पैटर्न की फॉर्म में ये जो है, ये जैसे सिंगल फाइल होती है ना वैसे ऐसे करके होता है, और इसमें सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक हो गया। इसमें भी जो है ईकोडेरिन नहीं होती, उसकी वजह से कोई डक्ट फॉर्मेशन इसमें नहीं होती, ठीक है, नो डक्ट फॉर्मेशन। तो ये इसमें इन्होंने ये दरअसल इसकी पिक्चर दिखाई हुई है कि ये हमारे जो है ना सिग्नेट सेल्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं इस तरह करके, ठीक है, एक साइड पे न्यूक्लियस होता है, बाकी जो है पेरिफेरी पे सारा साइटोप्लाज्म होता है, और इस तरह से इसने सिंगल फाइल पैटर्न बनाया होता है, ठीक है, ऐसे लाइन्स की फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं प्रोग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव फैक्टर्स जो हमारी ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो हम जो होते हैं TNM स्टेजिंग से देखते हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है मेटास्टेसिस होती है और स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स होती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैंसर जो है ब्रेस्ट का उसने कहीं और तो नहीं मेटास्टेसिस किया हो गया, ठीक है। अब होता है कि मोस्ट पेशेंट जो होते हैं वो मेटास्टेसिस से पहले आ ही जाते हैं, ठीक है, जब वो अपनी ब्रेस्ट पे कोई भी मास फील करते हैं या निपल की कोई चेंजेस फील करते हैं, कोई डिस्चार्ज फील करते हैं, कोई मास फील करते हैं,
कुछ भी ऐसा फील करते हैं तो वो आ जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इसलिए मेटास्टेसिस कम ही होती है। अब जो स्प्रेड टू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है, ठीक है। मेटास्टेसिस जो है इतना कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं होती, क्योंकि जो लोग होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं ना, तो कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है कि लोग कहते हैं कि ये जो हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है ना, ये पता नहीं इनलार्ज हो गए हैं, थोड़े से बड़े बड़े फील हो रहा है यहाँ पे। उनको नहीं पता ये क्या नोड्स हैं, बस वो कहते हैं यहाँ पे कोई गिल्टी टाइप, ऐसे कुछ लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको देखते हैं तो जो हमारे पास है वो ये बात होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास सेंटिनल लिम्फ नोड होता है ना, उसकी बायोप्सी यूज़ की जाती है। सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड पड़ा हुआ है। तो जिस लिम्फ नोड में पहली दफ़ा कैंसर जो है वो जाएगा, ठीक है, वो पहला वाला जो लिम्फ नोड होगा उसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। तो सेंटिनल लिम्फ नोड जो होता है उसकी बायोप्सी हम करते हैं, ठीक है, और एक्सेस करते हैं उसके लिम्फ नोड्स को। फिर आते हैं हमारे प्रेडिक्टिव फैक्टर्स, वो प्रोग्नोसिस फैक्टर थे, वो हमें बताएंगे कि हमने कैंसर की स्टेजिंग करनी होती है, पता लगाना होता है। फिर हम उन पेशेंट्स को बताते हैं ना, वो आपको पता होगा कि वो उनको पेशेंट्स को बताते हैं आपका स्टेज वन है, स्टेज टू है, स्टेज थ्री है। ये तरह प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आपके कौन बताते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की बायोप्सी और मेटास्टेसिस, ठीक हो गया। उसकी बेसिस पे हम स्टेजिंग करते हैं। प्रेडिक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं उसका कितना फ़ायदा हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, प्रोजेस्टेरोन का रिसेप्टर होता है, और हर टू हमारे पास होता है रिसेप्टर। मैंने आपको बताया था ना ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या होता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी बेसिस पे वो बड़ी उसकी इनलार्जमेंट होती है, कम होती है, इस तरह से चेंजेस आती हैं ब्रेस्ट की साइज़ में, ठीक है। अब जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी हमारे पास जो है ना ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ कैंसर्स पे हमारे पास ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ कैंसर्स के ऊपर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स नहीं होते, कुछ कैंसर्स पे प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ पे नहीं होते। इसी तरह कुछ कैंसर्स पे HER2 रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ कैंसर्स पे नहीं होते, ये बात होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा कैंसर है जिसके ऊपर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, ठीक है, तो हम अगर इसको एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी देंगे, ठीक है, टेमोक्सिफिन फॉर एग्जांपल दे रहे हैं या एंटी प्रोजेस्टेरोन कैंसर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये कैंसर मर जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और अगर वो कैंसर ऐसा है जिसके ऊपर नहीं है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, जिसके ऊपर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर नहीं है, तो हम क्या ऐसी चीज़ देंगे कि वो मरेगा। हम उसको टेमोक्सिफिन देते जाएंगे, उसके ऊपर तो रिसेप्टर ही नहीं है ईस्ट्रोजन का, वो कैसे मरेगा। उसके ऊपर प्रोजेस्टेरोन का रिसेप्टर ही नहीं है, वो कैसे मरेगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ ER and PR जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी देने का फ़ायदा होगा, रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है ईस्ट्रोजन के लिए, तो हम ईस्ट्रोजन जो रिसेप्टर होता है ना उसके लिए तो हम टेमोक्सिफिन दे देते हैं। अब जो HER2 रिसेप्टर वो वाले कैंसर जिनके ऊपर HER2 रिसेप्टर होता है उनको हम कैसे मारेंगे। उनको हम जो ड्रग देते हैं वो ट्रास्टूजुमैब होता है ना, इसके थ्रू हम मारते हैं जो HER2 रिसेप्टर को टारगेट करता है और फिर जो है ना उसको मतलब ख़त्म करता है ना कैंसर को। ये HER2 रिसेप्टर जो होता है ना ये एक्चुअली एम्प्लीफिकेशन करवाता है, ग्रोथ करवाता है हमारी जो कैंसर होती है उसकी, ठीक है। अब वो कैंसर जिनके जो ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, मतलब उनके ऊपर ना ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है, ना उनके ऊपर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, उनके ऊपर HER2 रिसेप्टर है, उनको आप टेमोक्सिफिन दो, उनको आप ट्रास्टूजुमैब दो, जो मर्जी दो, उन्होंने नहीं मरना, उनका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन होती है ना उनमें ये वाले कैंसर होते हैं और ये भी मर जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर डिजीज़ होता है। ये मैंने आपको बताया कि शुरू में बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर दो तरह का होता है, एक स्पोरेडिक होता है, एक हेरिडिटरी होता है जो जीन्स में रन करता है, ठीक है। तो जो जीन्स में रन करता है ना वो 10% केसेस में होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं कि ये नहीं है कि जीन्स में किसी की है तो मतलब एक मदर को हुआ तो उसकी बेटी को होना ही होना है, ऐसी बात नहीं होती। उसको डर के नहीं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि 10% केसेस हैं जस्ट इसके, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कि मतलब मदर है तो सिस्टर को होगा, या मदर है तो बेटी को होगा, बेटी है तो बहन को होगा, इस तरह से फर्स्ट डिग्री में ये फैलता है, ठीक है। ट्यूमर जो है ये अर्ली एज में आ जाता है, मतलब कि मेनोपॉज से पहले आ जाता है, मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल कैंसर होते हैं ना, लेकिन ये जो होता है ये अर्ली एज में आता है। मल्टीपल ट्यूमर्स एक सिंगल पेशेंट के अंदर हो जाते हैं। इसमें कौन सी म्यूटेशन आती हैं, शुरू में मैंने बताया था BRCA1 और BRCA2 की आती हैं,
ठीक है, जिसमें बरसा वन जो होता है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बरसा में, बरसा वन जो होता है ना इसमें ब्रेस्ट का भी कैंसर होता है और ओवियन कैंसर भी होता है, मतलब ये फीमेल जिनको अंदर बरसा वन की म्यूटेशन होगी उनके अंदर ब्रेस्ट का भी कैंसर होगा, ओवियन का कैंसर भी होगा। जो बरसा टू का म्यूटेशन होती है ना, ये तो आप, मैं कहती हूँ ब्लू से मैं इसको हाईलाइट करती हूँ कि ये बरसा टू की जो म्यूटेशन है ना, याद करवाने के लिए कि मेल्स में होती है, ठीक है, मेल्स में जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है उनमें बरसा टू की म्यूटेशन होती है। तो ऐसी फीमेल्स का जो है ना ट्रीटमेंट यही होता है कि हम उनकी ना, उनकी जो ब्रेस्ट है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो जिनको जेनेटिक प्रोपेंसिटी होती है कि उनको पता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होना है, उनकी बायलेटरल मेस्टेक्टमी कर देते हैं ताकि उसको ब्रेस्ट कैंसर ना हो, ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये है कि जो है स्मॉल रिस्क फॉर द कैंसर रिमेन्स, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू फिर भी, मतलब हमने कैंसर उसकी ब्रेस्ट बेचारी की निकाल दिया लेकिन फिर भी अभी अभी भी हमारे पास खतरा है कि वो उसके एक्जेला में सबक्यूटेनियस टिश्यू वाला एरिया जो है वहाँ से एक्सटेंड करे, ठीक है, कैंसर वहाँ पे आए। उसके बाद मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल ब्रेस्ट कैंसर आपको पता है कि 1% केसेज में ही होता है, ठीक है, 90% केसेज में स्पोरैडिक होता है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में, 10% हेरिडिटरी होता है, 1% सिर्फ मेल्स में, 99% हमारी फीमेल्स में कैंसर होता है, ठीक है। और जो है ये हमारे पास सब बैरियोलर मैल्स मैस, ठीक है, मेल्स जो होते हैं, जो बूढ़े मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये दिस इज़ ए नेपल, दिस इज़ ए एरियोला, तो उसके एरियोला के बिल्कुल नीचे करके ना इधर एक मैस बनता है, ठीक है। हाई डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल इज़ अंडर नीथ द निपल, क्यों, क्योंकि निपल के बिल्कुल नीचे, मतलब बाकी जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें तो ब्रेस्ट का जो हमारे पास पूरा एक पैरेन्काइमा है, पूरा जो एक डेंसिटी है वो तो ओवरऑल ब्रेस्ट में है ना और बाहर की तरफ है सारी, मेल्स की जो डेंसिटी होती है वो ब्रेस्ट की बिल्कुल निपल के नीचे होती है, इस वजह से वहाँ पे सब एरियोलर मैस बनता है ना, और नीचे क्या है, डक्ट्स हैं, ठीक है, डक्ट्स हैं। तो मेल्स में जो कैंसर होगा वो लोब्यूलर वाला नहीं होगा क्योंकि उनमें लोब्यूल्स नहीं है, मेल्स के अंदर लोब्यूल्स नहीं है, ये बात आपको पता है, प्यूबर्टी से पहले लोब्यूल्स नहीं होती, लोब्यूल्स कब आती हैं, प्यूबर्टी में फीमेल्स में आती हैं, जब प्रेगनेंसी में लोब्यूल्स जो होती हैं वो भर जाती हैं, प्यूबर्टी से पहले फीमेल्स में लोब्यूल्स नहीं होती, मेल्स में वैसे ही लोब्यूल्स नहीं होती, तो मेल्स में लोब्यूलर कार्सिनोमा क्यों होगा, नहीं होगा। आपसे कोई पूछे कि मेल्स में कौन सा कार्सिनोमा होता है तो आप कभी भी नहीं कहोगे लोब्यूलर कार्सिनोमा, क्योंकि मेल्स में तो लोब्यूल्स ही नहीं है, तो इस वजह से उनमें जो कार्सिनोमा होता है वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेल्स के अंदर निपल डिस्चार्ज भी हो सकता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि लोब्यूलर कार्सिनोमा इज रेयर, मेल ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप्स वेरी फ्यू लोब्यूल्स, ठीक है, लोब्यूल्स नहीं होती, मतलब कि ना होने के बराबर होती है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द बरसा टू म्यूटेशंस एंड लाइन पेंटर सिंड्रोम, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसा टू की म्यूटेशंस होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड आई होप आपको समझ आई होगी। जजाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।